देखिए दोस्तों, मैंने आज बनाने जाएंगे नमकीन। नमकीन है ना, ये मूंग की दाल है। इसको मैंने रात को भिगा दिया था और अभी मैंने इसको धो के और इसका पानी निकाल दिया। अब मैं इसको पीसना है, पीस के बनाना है दोस्तों। तो मैंने पहले पीस लेते हैं। आपको रात को भिगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप 4 घंटे पहले भी भिगा देंगे तो मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाता है, तो आराम से वो भीग जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा ये दाल बिल्कुल पीस चुकी है। अच्छा से पीसना आप। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए बोला था 5 मिनट, तो 5 मिनट हो चुकी है। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देता हूँ, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन। इसमें आधा घंटा के लिए मैंने इसको ढक के रखता हूँ। देखिए आधा घंटा हो गया, मैंने अभी मसाला मिलाया नहीं है, तब मैंने थोड़ा आटा डाल दिया इसके अंदर। आटा डाल के इसको लगाने के लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बना लिया डो, आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने 200 ग्राम आटा दिया है। इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि दाल गीला था, तो मुझे ज़रूरत नहीं हुआ। बस बिल्कुल ठीक ठाक आटा लगा है, आप देख सकते हो। तो अब इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। देखिए अब मैंने इसको खोल के देखता हूँ, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सा बन चुकी है। अब मैंने इसको एक गोला बनाना है मुझे। मैंने 4 गोला बना लिया दोस्तों। अब मुझे बेलना है एक एक गोला लेके। थोड़ा सा आटा की छीटा लगा लेना आप चाहे तो। देखिए मैंने बेल लिया, अब मेरे को काटना है। लंबा लंबा मैंने काट लिया। अब इसको इसी तरफ से भी एक बार काट करना है, तो ऐसे मोड़ना है दोस्तों। इसको ऐसे लेके ऐसे मोड़ना है। मैंने इसको पूरा बना के तैयार कर दिया दोस्तों। तेल मैंने डाल दिया दोस्तों। तेल को गर्म होने तक इंतज़ार करना है मुझे। ये अब मैंने तेल गर्म हो चुकी है। अब आँच को बिल्कुल कम कर देता हूँ दोस्तों। सारा ऐसे ही सब डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसी टाइप पर मुझे साड़ी बनानी है। आप इसको 1 महीना घर में रख के खा सकते हो, जरूर दबाना। मुझे कम आज में मैंने 5-10 मिनट तक इसको फ्राई किया। मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक की बटन जरूर दबाना। ये है दाल वाला, और मैदा वाला आपको चाहिए तो मैंने नीचे लिंक डाल दूँगी, उसी में आप देख लेना।